हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा देहरादून में एंड अपनी पुराने ठिकाने गोल्डी भाई के पास। गोल्डी जी की जरा हेलो हेलो एवरीबॉडी। अच्छा, आज जो मैं यहाँ पे देहरादून में आया हूँ और टेस्टिंग के लिए आया हूँ, ये आपका स्कैनर है और इसकी टेस्टिंग मुझे करनी है। ये है H6EB, जिसका कि हम लोगों ने सुनील जी के साथ इंट्रोडक्शन करी थी पिछली बार, और एक्सटेंसिव टेस्टिंग के लिए आया हूँ। टेस्ट व्हीकल जो आज मैंने लिए है वो स्कोडा येटी लिए, और येटी में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का ये था कि जी वोक्सवैगन ऑडी वॉडी वेंटो इंजेक्टर कोडिंग एंड एवरीथिंग। सो यहीं पे सामने है, लेट अस सी ये क्या करता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो स्कैनर है, एडवांस स्कैनर है, वो मैं आपको दिखा दूंगा इसके फीचर्स। ये ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होगा, ओके। वायर्ड कनेक्शन इसमें नहीं है, सो वी स्टैंड करेक्टेड। हम लोगों ने पिछली बार एक बार वीडियो में, आई डोंट नो, पहले वीडियो में बोला था कि वायर एंड ब्लूटूथ दोनों है, नहीं, ये सिर्फ ब्लूटूथ है। तो सनी इसको लगा, अब मैं इस ब्लूटूथ को लगा रहा हूँ। ऋषभ जरा लाइटें दिखा दे। ये आपकी जब ब्लू लाइट आ गई, दैट मींस स्कैनर आपका कनेक्ट हो गया, ओके। की ऑन मैं कर रहा हूँ। एज यू कैन सी येटी है, सो लेट अस सी कि हमारा जो ये H6EB है ये करता क्या है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम गए डायग्नोसिस में, ओके। यूरोप कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक स्कैन में हम गए, ऑटोमेटिक स्कैनिंग, लेट अस सी ये क्या करता है। हमने कहा ओके, विन कोड आपका आ गया, ओके, ये व्हीकल ईयर इज 2011। हमने कहा ओके, डायग्नोसिस सर्विस गाइडेड फंक्शन, हमने कहा जी डायग्नोसिस। अब ये पूछ रहा है ऑटोमेटिक स्कैन करना है, सिस्टम सिलेक्शन करना है, कैन गेटवे स्कैन करना है, तो इसके तीन मोड्स हैं। तो अगर मेरे को ऑटोमेटिक स्कैन करना है तो ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, प्लीज़ बेयर विद मी, ये स्कैन कर देगा। इसके मैं फॉल्ट्स वगैरह अभी कोई भी डिलीट आपके, चलो मैं सामने डिलीट कर दूंगा, लेट अस सी ये क्या करता है, बिकॉज ये गाड़ी अभी आई है एंड आई हैव नो आइडिया। ओके, ब्रेक्स में 5 फॉल्ट्स हैं, या इसके जो डिलीट विलीट बाद में करेंगे जब इसका एक बार फॉल्ट्स रीड कर लेंगे, देयर इज नो पॉइंट। पहले मैं जो मेरा मकसद है आपको ये स्कैनर का दिखाने का, और इसके मैं तीन चीज़ें आज कवर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं इंजन कवर कर रहा हूँ, और उसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बेसिक सेटिंग्स कैसे होती हैं, अडेप्टेशंस कैसी होती हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ होती हैं। मान के चलिए अभी मैं ऑफलाइन हूँ, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ दिस इज़ ऑफलाइन, तो कोई भी ये समझे नहीं कि ये ऑनलाइन हो रहा है, ओके, ये ऑफलाइन है जो भी कुछ हो रहा है। क्योंकि ये जो जितने भी ये वीडियोस मेरे अब यहाँ पे बनेंगे, ये क्लासरूम वीडियोस नहीं है, ये ऑन फील्ड वीडियोस हैं। सो छोटी मोटी आवाज़ें इधर उधर, व्हाटएवर डिस्टर्बेंसेस एंड एवरीथिंग, ये थोड़ा सा आपको मुझे इसकी माफ़ी देनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ओके। सो येटी में इंटरनेशनली 37 मॉडल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, और हमारी वाली में अभी तक इट हैव डन व्हाट, लेट्स सी हमारे वाले में कितने मॉड्यूल्स हैं, पता लग जाएगा। तो ऑब्वियसली दिख रहा है मेरे को कि इसमें बथेरे फॉल्ट्स हैं, और बिना फॉल्ट डायग्नोसिस करे हम, मैं इन्हें क्लियर भी नहीं करूँगा, बिकॉज हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे फॉल्ट्स कब आए थे, क्या था क्या नहीं था, ओके। तो लेट्स सी, ओके, अभी भी
क्योंकि ये जो H6 EB है ये मैं किसी भी और स्कैनर के साथ कंपेयर यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका प्राइस है 130,000 रुपये। ओके, और अगर मैं पैड 3 से इसको कंपेयर करता हूँ तो जाहिर सी बात है वो 2 लाख से ऊपर का टूल है और इससे वो आधे काम करता है, तो यू नो एक किसी टूल की बेइज्जती करने वाली बात है, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं नॉर्मल स्कैन से नॉर्मल लॉन्च से जो प्रो है वर्जन 3-4 व्हाटएवर तो वो 80-85,000 का टूल है, तो फिर सबके भैया रहेगा अरे वो सस्ता टूल है, ये महंगा टूल है। सो ना मैं इसको महंगे टूल के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, ना मैं इसको सस्ते टूल के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इस रेंज में ये इंडिया में अपने आप में ये अकेला ही टूल है। ओके, अब ये इसमें ये 17 है इसके वो हैं, ऑब्वियसली मैं कुछ अभी इसमें फॉल्ट नहीं रीड करूँगा। लेट मी सी कि इंजन में इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में क्या फॉल्ट हैं। अगर मेरे को इंजन सॉरी अगर मैं इसका देता हूँ DTC रिपोर्ट, लेट मी सी। सो ये मेरे फॉल्ट हैं सारे जो आए हैं। ओके, लुक एट दिस। ऑलराइट, एनीवे विच वे, अगर मैं इसको इंजन डायग्नोस, लेट मी सी इनफैक्ट इसका जो बेटर मेथड यही रहेगा कि ये देखो रीड ट्रबल कोड, ये कूलेंट पंप भी कंट्रोल सर्किट ओपन एंड एक्टिव स्टैटिक, इसका मतलब रजिस्टर्ड है। रीड फीड फ्रेम डेटा, ये कब फॉल्ट अकर हुआ था, फ्री फ्रेम, ये इसके कंडीशंस थे, फॉल्ट प्रायोरिटी 2 है, माइलेज 83,000, टाइम ये था, व्हाटएवर, फॉल्ट स्टेटस 0000। ओके, एनी विच वे ओके। अब बात ये है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि अगर मैं अडेप्टेशंस में जाता हूँ तो ये देखिए, जो लोग मेरे को ये कह रहे थे कि जी इंजन इंजेक्टर करेक्शन वैल्यू वगैरह ये नहीं करता है, अब मैं नितिन आपके लिए है, टेक अ लुक। ओके, सो यू नीड टू गो हियर, बेसिक सेटिंग्स में आपने जाना है तो यू आर हियर। ओके, रीसेटिंग ऑफ लर्न्ड वैल्यूज एंड एवरीथिंग। आपको अगर सिक्योरिटी एक्सेस लॉगिन करना है तो टर्न ऑफ क्रूज कंट्रोल, एक्टिवेट क्रूज कंट्रोल, ये आपके लॉगिन्स हैं फॉर द इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ECM के मतलब पावर कंट्रोल मॉड्यूल के लिए, बाकियों के लिए अलग है। कोडिंग इज लाइक यू नो ये आपकी सॉफ्टवेयर कोडिंग है एंड you know how to do it, we don't want to get into it. Okay, अब इसमें मैंने जैसे बताया सिस्टम सिलेक्शंस में आप कुछ भी जाके देख सकते हैं जितने भी इसमें हैं, कैन में आप देख सकते हैं कि वो है जो आप नितिन बोल रहे थे गाइडेड फंक्शंस, आई मीन वी रियली डोंट नीड टू गो इनटू एनी, अगर मैं 2 लीटर में जाता हूँ तो फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड, वी आई डोंट नो गाइडेड फंक्शंस में आप क्या ढूंढ रहे थे, आई हैव नो आइडिया, बट एनी विच वे ये आपका स्कैनिंग में है। लेट अस नाउ गो इनटू सर्विसेज में जाते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, इंजेक्टर कोडिंग नहीं हो रहा, सो लेट अस फाइंड आउट इंजेक्टर कोडिंग। ओके, आप यूरोप में गए, ओके, ये आपके यूरोप में सारी गाड़ियां खुल गई, वोक्सवैगन ऑडी सीएट स्कोडा, मैंने इसको क्लिक किया, लेट्स सी क्या करते हैं ये जनाब, कनेक्टिंग, लेट अस सी कम्युनिकेटिंग। ओके, इंजेक्टर 1, ये रहा इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2, ये रहा इंजेक्टर 2, इंजेक्टर 3, ये रहा इंजेक्टर 3, इंजेक्टर 4,
येरा इंजेक्टर 4 राइट न्यू डेटा। आपने अगर नया लिखना है तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे लिखोगे इंजेक्टर, क्योंकि ये चार सिलेंडर की गाड़ी है। इंजेक्टर 5 फेल टू कम्युनिकेट, इंजेक्टर 6 फेल टू कम्युनिकेट। सो आई डोंट नो, यहाँ पे तो यार ये इंजेक्टर तो आपको क्लियरली बता रहा है। सो मेरे हिसाब से टिल द टाइम आई फाइंड, मतलब कोई मैं नई गाड़ी मेरे को ऐसी नहीं मिलती है, तो अब इसमें तब मैं तब की तब देखेंगे। अब इसमें लड़स से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये क्या करते हैं जनाब, ये गाड़ी चली हुई है 83,227 किलोमीटर। यह दिखा दियो ऋषभ, इधर दिखा, ये 83,000 दिख रहा है, राइट। सो लड़स सी कि ये भाई साहब कितनी रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं और क्या करते हैं। तो लेट्स सी, लोड डेटा क्या कर रहे हैं। ओके, 96, 97, 98। ओके ओके, हम लोगों ने ऑब्वियसली स्कोडा में जाना है, वी गॉन इन टू स्कोडा। अब इसमें बहुत सारे हम लड़े से वी गोइंग टू येटी। येटी में ये बेसिकली दिस इज द मीटर, नो ये वाला नहीं है आई थिंक, लेट मी सी, ये तो नहीं है, लेट्स सी माइलेज एडजस्टमेंट किलोमीटर, यस यस यस, ये देखो 83,220 चेंज माइलेज अगर मैं करता हूँ तो ये नया माइलेज मेरे को बोल रहा है, बट ये कस्टमर की गाड़ी है इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, सो आई एम कैंसलिंग इट। बट आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि दिस इज द मीटर, ई प्रॉम से अगर आपको रिकवर करना है तो भी कर सकते हो ये, तो नहीं तो अदरवाइज ये मीटर है। ओके, ईएटी के लिए एंड यू नो माइलेज एडजस्टमेंट किलोमीटर। ओके, वो बोल रहा है या सो आपका इंजेक्टर कोडिंग हो गया, आपकी यू नो माइलेज करेक्शन हो गए, आपके ऑब्वियसली इमोबिलाइजेशन में, लेट मी सी किसमें, स्कोडा यू नो रीड सिक्योरिटी कोड, स्कोडा डैशबोर्ड इमोबिलाइजर, लेट्स सी। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं चाबियों का काम करता नहीं, मैं खाम का ही यू नो वो ले रहा हूँ पंगेबाजी, सो आई डोंट नो। बट ये है कि जाहिर सी बात है ये आपकी जो चाबियाँ हैं ये करता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको करके भी हम दिखा देंगे। लेट्स से इंजन रीड कोड में क्या आता है, मे बी हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा और यही मुझे लग रहा है। बट वन थिंग वॉज श्योर कि जितने भी ये मेन्यूज इसके आ रहे हैं ये डेफिनेटली करेगा और कोई मसला नहीं है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो जो बैकअप टीम है हमारी सुनील जी के साथ एंड एवरीथिंग, प्रोग्राम रिमोट डायग्नोस्टिक फंक्शन, प्रोग्राम कीज, फोर्थ फिफ्थ इमोबिलाइजर सिस्टम, यू नो रीड राइट इश्यू डेटा, तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। सो जहाँ तक एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ डायग्नोस्टिशियन के लिए, मेरे हिसाब से बढ़िया टूल है, क्योंकि अभी मैंने येटी पे करा है और 5-6 ब्रांड्स के ऊपर इसको चेक करूँगा मैं, लेकिन ये है कि मेरा इंजेक्टर कोडिंग कर रहा है, ये मेरा डायग्नोस्टिक्स कर रहा है, मुझे फ्री फ्रेम दे रहा है, मेरे सारे मॉड्यूल्स कर रहा है, स्पेशल फंक्शन में मेरे मीटर पीछे कर रहा है, मेरा इमोबिलाइजर कर रहा है एंड वॉट नॉट। सो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना रखते हुए वील कीप इट टिल हियर एंड
टिल वी मीट अगेन।